भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 9 जुलाई को खेला जाएगा। आपको बता दें कि यह मुकाबला बर्मिंघम में होगा। एडजस्टन में होने वाले इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और साथ ही भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली इतिहास रच सकते हैं। आपको बता दें कि भारत के कप्तान और साथ ही पूर्व कप्तान दोनों ही एक रिकॉर्ड के पीछे भागेंगे। दरअसल भारत के कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली T20 में एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच में दूसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा। पहले T20 मुकाबले में भारत की तरफ से विराट कोहली शामिल नहीं थे क्योंकि उन्होंने टेस्ट मैच खेला था और इस वजह से उन्हें 2 दिन का आराम दिया गया था, और ऐसे में अब विराट कोहली दूसरे T20 मुकाबले में उतरेंगे और साथ ही वह रोहित शर्मा के साथ एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। रिकॉर्ड की बात करें तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली दोनों ही T20 में अपने 300 चौके पूरे कर सकते हैं। बता दें कि T20 इंटरनेशनल में अब तक विराट कोहली के नाम 97 मुकाबलों की 89 पारियों में 298 चौके हैं, साथ ही उनके नाम 92 छक्के हैं। इसके अलावा बात करें अगर रोहित शर्मा की तो उनके नाम 126 T20 इंटरनेशनल मैचेस की 118 पारियों में 298 चौके हैं और 155 छक्के उनके नाम है। तो ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे T20 मुकाबले में 2 चौके और लगाते हैं तो दोनों ही 300 चौके पूरे करने वाले T20 के खिलाड़ी बन जाएंगे। आपको बता दें कि T20 इंटरनेशनल के इतिहास में अब तक एक ही खिलाड़ी है जिन्होंने 300 चौके T20 में लगाए हैं और उनका नाम है पॉल स्टिरलिंग, जो कि आयरलैंड के खिलाड़ी हैं। उनके नाम 104 मुकाबलों में 325 चौके हैं, साथ ही 99 छक्के भी हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जब मैदान पर उतरेंगे तो दोनों खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी पहले अपने 300 चौके पूरे करता है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ओपनिंग करने आते हैं तो ऐसे में रोहित शर्मा ही 300 चौकों का मुकाम पहले हासिल कर सकते हैं, लेकिन विराट कोहली उनसे आगे कितना निकलते हैं ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे T20 मुकाबले में किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं और साथ ही भारत को किस तरीके से अपनी बल्लेबाजी से मजबूत करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। आपकी क्या कुछ राय है इस रिकॉर्ड को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।